सबको जय यीशु की। हर साल संपूर्ण कलीसिया 9 नवंबर को संत बेनिनियुस का पर्व मनाती है, जब 407 ईस्वी में संत पैट्रिक आयरलैंड में जहाज से उतरे, तब वहां के स्थानीय आयरिश मुखिया ने, जिसका नाम सचनन था, उन्हें अपने घर पर कुछ दिनों के लिए आमंत्रित किया। और संत पैट्रिक तो पहले से ही प्रभु का प्रचार करने का कोई मौका नहीं खोना चाहते थे, और प्रणाम स्वरूप वे मुखिया और उसका परिवार प्रभु पर विश्वास करने लगे। और ऐसा हुआ कि जब संत पैट्रिक वहां से वापस जाने लगे, तब सचनन के सबसे छोटे बेटे बेनिनियुस ने उनसे प्रभावित होकर उन्हें विनती की कि वे भी उनके साथ जाना चाहते हैं। संत पैट्रिक ने उन्हें स्वीकार कर उन्हें अपना चेला बनाया, और तब संत पैट्रिक ने भविष्यवाणी की कि एक दिन बेनिनियुस उनके वारिस बनेंगे, और ये बात सच भी हो गई। बहुत सालों बाद बेनिनियुस आयरलैंड के धर्माध्यक्ष बने। संत बेनिनियुस संत पैट्रिक के अभिन्न मित्र थे और उनके सबसे वफादार चेले थे। वे संत पैट्रिक के दाहिना हाथ थे। उनकी मधुर आवाज के कारण वे संत पैट्रिक के साथ भजन गाने वालों के मुखिया बने, और अंत में वे आयरलैंड के धर्माध्यक्ष बनकर उनके उत्तराधिकारी बने। इतिहास के अनुसार लगातार 20 साल संत बेनिनियुस ने एक मठ का नेतृत्व किया। संत बेनिनियुस के जन्म और मृत्यु की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु 467 ईस्वी में हुई। आइए आज हम भी संत बेनिनियुस के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी संत बेनिनियुस की तरह मसीह का अनुकरण करने की सामर्थ्य दें।